दोस्तों मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग ने खेला बहुत ही बड़ा दाव। आखिर मेगा ऑक्शन से पहले किन तीन खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला। आखिर वो तीन खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग ने मेगा ऑक्शन से पहले अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट से रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहां मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज भी कर दिया था, जिनमें फैब डुप्लेसी, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, सैम करन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तो वहीं जिन चार प्लेयर्स को इस टीम ने रिटेन किया उनमें रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ शामिल है। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग की नजर तीन बड़े घातक खिलाड़ियों पर टिकी हुई है। सबसे पहले जो खिलाड़ी है वो है कगिसो रबाड़ा। कगिसो रबाड़ा का आईपीएल में हमेशा से काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग की नजर पूरी तरह से उस खिलाड़ी पर टिकी हुई है। चेन्नई सुपर किंग हर हाल में मेगा ऑक्शन में उस खिलाड़ी को खरीद कर अपने स्क्वाड को काफी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। जहां महेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कगिसो रबाड़ा को अपने स्क्वाड में शामिल करने के लिए। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो ऑलराउंडर बेन स्टॉक का, जी हां, बेन स्टॉक आईपीएल में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैं। बेन स्टॉक महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में भी खेल चुके हैं आईपीएल। जब पुणे की टीम थी 2016 में तब महेंद्र सिंह धोनी उस टीम के कैप्टन थे। तो महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से बेन स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार हो चुकी है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो एक स्पिनर है जो कि युजेंद्र चहल है। जी युजेंद्र चहल आईपीएल में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2013 से लेकर 2021 तक का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले, लेकिन आईपीएल में 2022 के मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं युजेंद्र चहल। और युजेंद्र चहल पर पूरी तरह से नजर टिकी हुई है चेन्नई सुपर किंग की। चेन्नई सुपर किंग युजेंद्र चहल के लिए खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये तीन बड़े प्लेयर हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग हर हाल में आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। पहले जो खिलाड़ी है कगिसो रबाड़ा जो कि फास्ट बॉलर है, काफी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। वहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर बेन स्टॉक है और तीसरे जो खिलाड़ी युजेंद्र चहल है। ये तीन खिलाड़ियों को खरीद कर अपने स्क्वाड को काफी ज्यादा मजबूत चेन्नई सुपर किंग कर लेगी। तो आपको क्या लगता है ये तीन खिलाड़ियों को खरीद कर चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 कैसी रह सकती है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।